आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत। पिछली बार थोड़ा ज्यादा समय मिला था बजट विश्लेषण के लिए, तो ज्यादा आराम से हो पाया था। इस बार बहुत ज्यादा घाई घाई में हुआ है, तो देखें कैसा होता है। जिस दिन बजट आया और अगले दिन पेपर खोले, सारे पेपरों की हेडलाइन प्रो पुअर बजट, रॉबिनहुड बजट, अमीरों से छीनकर गरीबों को दिए जाने वाला बजट, कृषि का बजट वगैरह। मतलब हिंदू जैसे पेपर ने भी वही हेडलाइन। तो मैं सोचने लगा कि अचानक इनके रंग बदल गए क्या? अभी तक तो हम लोग इनके बारे में एक सोचते थे, अचानक ये क्या हो गया? लेकिन उसके बाद जब उनके आंकड़ों का विश्लेषण करना शुरू किया, उनकी उन्होंने जो कहा अपने भाषणों में, और वास्तविकता जो आंकड़ों में दिखती है, जब उसको आपस में मेल करना शुरू किया, तो समझ में आया कि वही है जो पहले थे। एक नंबर खोटर, हर मुद्दे पर झूठ बोलते हैं। मतलब आप जानते ही हैं, स्मृति ईरानी खुलेआम संसद में झूठ बोलती है रोहित वेमुला के मुद्दे पर। उसके ऊपर विपक्षी पार्टियां जो हैं वो नोटिस दे रही है, पता नहीं क्या होगा उसका। जेएनयू के मुद्दे पर तो गजब ही कर दिया, वीडियो ही खोटरडा बना दिया, रातों रात झूठा वीडियो बनाकर टीवी चैनल्स को भी सौंप दिया, वो पूरे देश में हल्ला मच गया। इनका तरीका ये, झूठ बोल दो, मुद्दा फैल जाएगा, उसके बाद आप बहस करते रहो। अब वो झूठा वीडियो था, लेकिन लोग बोलते हैं ऐसा नहीं था, वैसा था, वैसा नहीं था, वैसा था, वो था। तो इधर से ध्यान, वायर को मत लाएगा। मतलब जिस संगठन ने कभी देश के आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, वो अब अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त, देशभक्त कहते हुए घूम रहे। मतलब ऐसे झूठे हैं, वही सारा झूठ बजट में भी दिखता है। पूरा झूठ से भरा हुआ बजट। बजट में बोलते कुछ है, करते उसके ठीक उल्टा है। और अब उनके चमचे पूरे देश भर में घूमते फिरेंगे, क्योंकि लोगों को तो आंकड़े समझ में नहीं आते ना। लोगों को तो समझ में आएगा, हाँ भाई वित्त मंत्री ने इतना प्रतिशत शिक्षा का बजट बढ़ा दिया, इतना प्रतिशत स्वास्थ्य का बजट बढ़ा दिया, वगैरह वगैरह। क्या किया वो तो नहीं मालूम है, उसकी बारीकियों में तो जाएंगे नहीं, ना उसके उतनी किसी के पास फुर्सत होती है। तो इनका स्टाइल वही है, झूठ बोल दो। उनकी एक पूरी फौज है देश में जो झूठ का वो बड़ा वाला ढोल, छोटा वाला भी नहीं, बड़ा वाला ढोल बजाते हुए घूमेगी, और हम अब बहस करते रहेंगे। तो चलिए फिर भी समझने की कोशिश की जाए कि इन्होंने इस बार बजट में क्या किया। शुरू से ही शुरू करें, पहले दो तीन पैराग्राफ से, जिसमें कि वित्त मंत्री शुरू में सबका स्वागत स्वागत करते हैं बजट में, फिर बोलते हैं कि इस देश का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट्स में से है, बहुत तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, ये उन्हीं के भाषण में से है कि ग्रोथ रेट बढ़ गया 5.6। आप लोगों को इधर से दिखेगा नहीं, इधर आ जाओ, क्योंकि ये तो महत्वपूर्ण है ना, वो देखना, इधर आ जाओ, इधर 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 बैठ सकते।
तो बोल रहे हैं कि 5.6% से बढ़ते बढ़ते 7.6% हो गए, और आईएमएफ को भी कोट कर दिया कि जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में ठहराव आने लगा है तो भारत उसका ब्राइट स्पॉट है। जैसे आईएमएफ जिसको भी उपाधि दे उसको थोड़ा शक की निगाह से देखना चाहिए, कई तरी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर बार जब ये उपाधि देती है तो अगले साल जो अर्थव्यवस्था कुचल रही होती है। साउथ कोरिया में यही हुआ, मेक्सिको में यही हुआ, अब फिलहाल ये भारत को ब्राइट स्पॉट बोल रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि इन्हीं के एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री, सरकारी अर्थशास्त्री रघुराम राजन, वो खुद ही सवाल उठा रहे हैं। इसी साल उनका जनवरी में भाषण है जिसमें वो कहते हैं कि भाई वो जीडीपी ग्रोथ रेट की फिगर्स जो है ना उसका कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, वो उस पर मेरे सवाल है। तो इन्हीं के अर्थशास्त्री सवाल उठा रहे हैं। मामला क्या है, इन्होंने जीडीपी को नापने का तरीका बदल दिया। मतलब झूठ तो झूठ, ऊपर से उस झूठ के पीछे एक पूरा सिद्धांत भी रच, एक पूरा तरीका ही रच देते हैं, और तरीका ऐसे रच देते हैं कि उन्हीं के सरकारी अर्थशास्त्रियों को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। पता नहीं कैसे करते हैं, अब आपस में उनके क्या रिश्ते हैं तो मैं नहीं जानता। लेकिन अब ये टेबल देखिए, इस टेबल में हमने पहले कॉलम में जो सरकार का कहता, सरकार जो कह रही है जीडीपी ग्रोथ रेट वो दिया है। अब यदि जीडीपी उतना तेजी से बढ़ रहा है तो बाकी आंकड़े भी बढ़ने चाहिए। उन आंकड़ों को मैं समझा देता हूं। देखिए पहला उसमें एक आंकड़ा है तीसरे कॉलम में, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब अर्थव्यवस्था में कितना निवेश हो रहा है, क्योंकि यदि जीडीपी ग्रोथ रेट हो रहा होगा तो निवेश बढ़ना चाहिए ना। सच्चाई क्या है कि निवेश घटता चले जा रहा है। तो यदि निवेश घटता चले जा रहा है और उधर आपका जीडीपी बढ़ रहा है तो वो कैसे बढ़ रहा है। फिर दूसरा आंकड़ा लीजिए खेती के विकास का, खेती का विकास पिछले साल तो माइनस में चला गया था, पिछले से पिछले साल, जो अर्थव्यवस्था का इतना महत्वपूर्ण इंडिकेटर एग्रीकल्चर, यदि -0.2 ग्रोथ रेट हो रहा हो तो इनका जीडीपी उतना कैसे बढ़ रहा है। तीसरा आंकड़ा लीजिए, इनका एक्सपोर्ट ग्रोथ और इंपोर्ट ग्रोथ दोनों माइनस में पहुंच गया है, -17%, इंपोर्ट ग्रोथ है -15%। अब इसमें इनके इंपोर्ट में वो आंकड़े मैंने यहां नहीं दिया है क्योंकि कितने आंकड़े दें, उसमें कैपिटल, जो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट्स हैं वो भी माइनस में पहुंच चुके हैं। अब मशीनरी यदि माइनस में पहुंच गई है इसका मतलब है कि कंपनियां निवेश नहीं कर रही, नई नई कंपनियां नहीं खोल रही, तो फिर जीडीपी कहां से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, आखिरी आंकड़ा देखिए कि बैंक जो लोन दे रहे हैं इंडस्ट्रीज को, या कुल मिलाकर जो बैंक लोन है, आप आंकड़ा देखेंगे वो भी लगातार घट रहा है, और वो अंदाजन 9 से 11% के बीच में है, जबकि उसके पहले वो 20% के आसपास था। ऊपर से सरकार का खुद एक दस्तावेज है जो उन्होंने दिसंबर में दिया, जो खुद ये मानता है कि हो सकता है ये बैंक इंडस्ट्रीज का के बैड डेट्स, यानी जो बुढ़ित कर्ज है, जो इंडस्ट्रीज जो कर्जा नहीं चुका पा रही, तो उस कर्जे को मेकअप करने के लिए बैंक हो सकता है लोन दे रहे हो। और ऐसे में सरकार खुद ही स्वीकारती है कि ये जो थोड़ा बहुत बैंक का जो इंटरेस्ट, जो बैंक लोन्स दे रहे हैं, शायद वो लोन्स नए इंडस्ट्रीज के लिए नहीं जा रहे, पहली वाली इंडस्ट्रीज के जो घाटे हैं उन घाटों को मेकओवर करने के लिए, समझ रहे हैं ना, वो फेयर एंड लवली जैसे लगाते हैं कि सुंदर बनाने के लिए, ताकि इंडस्ट्री को मतलब कागज में हो जाएगा कि इंडस्ट्री ने लोन चुका दिया, असल में इंडस्ट्री को नया लोन मिल गया। मालूम ही होगा आपको, वही सरकार करती है कि पहले वाला लोन नहीं चुका पा रहे तो नया लोन दे दो, उस नए लोन से पहले वाला लोन चुका देंगे, कागज पे नया लोन आ गया, बढ़िया है ना, मेकओवर हो गया। तो ये अक्सर ही करते हैं, मतलब हम आपके लिए नहीं होता, बड़े लोगों के लिए होता है। तो यानी बैंकों का जो लोन दिया जा रहा है, एक तो वो घट रहा है, ऊपर से वो लोन पर सरकार ही सवाल उठा रही है कि ये लोन पता नहीं नए निवेश में जा रहा है कि नहीं जा रहा। ऊपर से इंडस्ट्री का जो अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है उसको बोलते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी आप 100 कार बना सकते हैं लेकिन 80 बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट, यानी वो 80 हो गया।
तो ऐसे में यदि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट कम है तो फिर यदि मांगनी बढ़ गई तो आप नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपने पहले ही 100 कारों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 80 बना रहे हैं। तो यदि मांगनी बढ़ जाएगी तो आप 80 से उत्पादन बढ़ाकर पहले 90 करेंगे, 100 करेंगे, फिर नए कारखाने की जरूरत पड़ेगी ना। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट गिर रहा है, ये सरकारी आंकड़ा है। तो जाहिर तौर पर उसके चलते भी निवेश नहीं हो रहा होगा। और अंत में एक आखिरी आंकड़ा, अभी 2 महीने पहले सरकार का जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, यानी उत्पादन कितना बढ़ रहा है, असल में औद्योगिक उत्पादन कितना बढ़ रहा है, सरकारी आंकड़ा कह रहा है, जो जीडीपी में जिससे वो नापते हैं, तो जीडीपी का जो मापक आंकड़ा है वो बोल रहा है कि उत्पादन बढ़ा 12%। और जो दूसरा एक डिपार्टमेंट है जो उत्पादन नापता है वो कह रहा है कि भाई सिर्फ 0.9% बढ़ा, 1% से भी कम। तो ये सारे के सारे आंकड़े सब एक जैसे हैं जीडीपी के ग्रोथ रेट को छोड़कर, यानी इनका जीडीपी का ग्रोथ रेट का आंकड़ा फर्जी है। रघुरामन राजन खुद ही बोल रहे हैं, सोबर आदमी है तो ये नहीं बोलेगा ना फर्जी है, बोलेगा कि मेरे कुछ सवाल है ना। बड़े लोग ऐसे ही बोलते हैं, हम आप सीधे सीधे गाली देते हैं ना। तो स्पष्ट है, जो जिंदगी भी बताती है कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ठहरावग्रस्त होती चली जा रही है। ग्रोथ रेट जब ये हाँ कर ये जो बोल रहे हैं वो उतना ग्रोथ रेट नहीं है, असल में वो ग्रोथ रेट उससे काफी कम है। चलिए, उसका बजट विश्लेषण से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं इतना ही स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहा था कि ये एक नंबर के खोटर हैं। ये सब मेरे को अच्छा लगा तो बार बार बोलेंगे। चलिए, फिर भी मान लिया जाए कि ये देश दुनिया की सबसे तेज विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में है, यानी सरकारी आंकड़ा मान लिया जाए कि वाकई जीडीपी ग्रोथ रेट इनका 7% से ऊपर है। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट से ये पूरे ऑब्सेस्ड रहते हैं, पूरा देश उससे ऑब्सेस्ड रहता है, कोई भी इकोनॉमिक क्लास में जाइए जीडीपी ग्रोथ रेट, असल में वो जीडीपी ग्रोथ रेट वाकई अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का अब चिन्ह इंडिकेटर नहीं रह गया है। असल में जीडीपी ग्रोथ रेट का पूरा मामला ही वैसा है। जैसे एक उदाहरण ले, जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब यह होता है कि कितना माल बिका, बना और बिका। यदि माल नहीं बिका तो वो जीडीपी में नहीं आता। यानी यदि छोटे किसान ने उत्पादन किया अपने खाने के लिए तो उससे जीडीपी नहीं बढ़ता। यदि पेड़ उग रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है, इससे जीडीपी नहीं बढ़ता। हाँ, आपने यदि वो पेड़ काट दिए और उससे फर्नीचर बना दिया तो जीडीपी बढ़ जाएगा। आपने नदी बह रही है, नो जीडीपी ग्रोथ, इसीलिए बोलते हैं वेस्ट है। उसके किनारे एक फैक्ट्री लगा दो और वो फैक्ट्री नदी को पॉल्यूट कर दे तो डबल जीडीपी ग्रोथ फैक्ट्री का भी, और ऊपर से आपने पॉल्यूशन किया तो पॉल्यूशन साफ करना पड़ेगा ना, उससे भी जीडीपी बढ़ गया। तो जीडीपी ग्रोथ रेट का मामला इसीलिए सवाल उठता है कि जिस देश में अब 3.25 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जो दुनिया में कहीं किसी ने नहीं सुना, वो देश यदि बोले कि हमारी अर्थव्यवस्था 7.6% से ग्रो कर रही है तो कुछ प्रॉब्लम है ना जीडीपी ग्रोथ रेट में। ये तो खेती का उतना भयंकर संकट कहां से है? तो उसका कारण वही है कि वो किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो विजय माल्या करता है। तो उसको गिरफ्तार किया कि ना किया जाए, वो अभी पूरी बहस चल रही है, चाहे उसने कितना भी पैसा डुबो दिया, क्योंकि जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, चाहे बैंक का लोन डुबो, चाहे कुछ भी करे, बियर बेचता है तो कुछ बिक रहा है ना, जीडीपी बढ़ता है। तो एक तरफ जीडीपी ग्रोथ रेट, लेकिन दूसरी तरफ उस जीडीपी ग्रोथ रेट का वाकई लोगों से कोई संबंध नहीं होता। यानी ये देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में से है। इस देश का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, कुछ अर्थशास्त्री हैं जिसमें दुनिया के सबसे नामी गिरामी अर्थशास्त्री हैं, अमर्त्य सेन और जोसेफ स्टिग्लिट्स, उन्होंने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट पर सवाल उठना चाहिए और सरकारों को कोई वैकल्पिक मेजर देना चाहिए, क्योंकि
जीडीपी ग्रोथ रेट से वाकई लोगों की आमदनी बेहतर हो रही है कि नहीं हो रही, लोगों की जीवन स्तर बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसे नहीं नापा जा सकता। ये अमर्त्य सेन और स्टिग्लिट्स ने खुद फ्रेंच प्रेसिडेंट के लिए बनाई गई एक रिपोर्ट में कहा है। तो ऐसे में यही कारण है कि एक तरफ ये बोलते हैं हमारा जीडीपी इतना बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ बाकी सारे आंकड़े जिन पे हम आगे चर्चा करेंगे वो सब आंकड़े बताते हैं कि ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में से है। यहां तक कि जो एक और इंडिकेटर जो अब आजकल लोग मानने लगे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें कि आप नापते हैं कि लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला, लोगों की स्वास्थ्य शिक्षा वगैरह की हालत कैसी है वगैरह, ये सब उसमें नापा जाता है। तो भारत की रैंकिंग जीडीपी ग्रोथ रेट में सबसे ऊपर और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग में 187 कंट्रीज में से भारत 135th नंबर पर है 2 साल पहले, अब और गिर गया होगा। तो ये इससे आप अंदाज लगा सकते हैं, यानी हमारा कुल मिलाकर कहना ये है कि जीडीपी ग्रोथ रेट से मत जाइए, उससे आपके हमारे जीवन स्तर पे क्या फर्क पड़ रहा है नहीं नापा जा सकता। हाँ, विजय मल्ल्या को फर्क पड़ेगा, टाटा को फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनका नफा उसमें नापा जाता है। लेकिन आज, अब आज का वो विषय नहीं है, वाकई स्थिति ये है कि ग्लोबलाइजेशन में ग्रोथ जो होता है, उत्पादन जो बढ़ता है कागज पर या असली में, असल में उसका वाकई लोगों के जीवन से कोई लेना देना नहीं। खैर, ये इसको भी साइड में रख दें, ये खाली आपके जानकारी के लिए था। अब अगले मुद्दे पर आए तो ये वही था कि सरकार का वास्तविक इस देश की हालत क्या है, वो जीडीपी ग्रोथ रेट से नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से आंकी जा सकती है, जो दुनिया का एकदम स्थापित, आजकल दुनिया के नामी गिरामी अर्थशास्त्री इस इंडिकेटर को आज स्वीकारते हैं। ये भारत की असलियत है, जीडीपी ग्रोथ रेट असलियत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़। तीसरा झूठ, झूठ पर झूठ ही है। वित्त मंत्री अपने भाषण में बोलते हैं कि अरे भाई, हमने वित्त, एक फाइनेंस कमीशन है जो बताता है कि सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में टैक्स का बंटवारा किस प्रोपोर्शन में है। तो इन्होंने पिछले साल ये घोषणा की कि हमने उस कमीशन की रिकमेंडेशन मान ली है, और हम राज्य सरकारों को, जो कुल सरकार के पास टैक्स इकट्ठा होता है, उसका 10% हिस्सा बढ़ा दे रहे हैं। पहले वो 32% था, अब हम उसको 42% कर दे रहे हैं। समझ गए? मतलब जो कुल दो किस्म के टैक्स होते हैं ना, एक तो राज्य सरकारें जो लगाती हैं और एक जो केंद्र सरकारें लगाती हैं। तो केंद्र सरकार क्योंकि पूरे देश से टैक्स इकट्ठा करती है, उसमें डायरेक्ट टैक्स भी होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी होते हैं, तो केंद्र सरकार के पास जो टैक्स इकट्ठा होता है उस टैक्स का एक हिस्सा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देती है। बात समझ गए? तो पहले कागज पर 32% देते थे, यानी 100 इकट्ठा हुआ तो 32 राज्य सरकारों को ट्रांसफर करते थे। अब केंद्र सरकार ने ये कहा है पिछले साल से कि हम उसको बढ़ाकर 42% कर दे रहे हैं, यानी 100 में से 42 रुपए टैक्स के रूप में जो आता है वो राज्य सरकारों को ट्रांसफर कर रहे हैं। और इस साल फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट में बोलता है कि अरे भाई, हमने वो इतना बढ़ा दिया कि हमारे पास अब उतने पैसे ही नहीं है। मामला क्या है? इसमें भी झूठ बोले। इसमें झूठ इस तरह से बोले कि इन्होंने एक तरीका निकाल दिया है टैक्स इकट्ठा करने का। जब ये बोलते हैं कि 100 टैक्स इकट्ठा हुआ और उसमें से मान लो हमको 40 देना है राज्य सरकारों को, तो ये टैक्स का मामला है। सरकार ने क्या तरीका निकाला हुआ है कि वो टैक्स के अलावा एक और टैक्स लगाती है, उसको बोलते हैं सेस। ऐसे नहीं, वो रोड सेस होता है, एक एजुकेशन सेस होता है, एक ये अभी इन्होंने इस बजट में कृषि सेस लगा दिया। तो ये जो सेस है उसकी पता नहीं क्यों ऐसी डेफिनेशन की है भैया, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो सेस उस टैक्स की गिनती में नहीं आता। यानी टैक्स होता है लेकिन उस टैक्स की गिनती नहीं आती जब आप राज्य सरकारों को ट्रांसफर करते हो। तो आपने अपना टैक्स 100 से 120 कर दिया, लेकिन ये 20 हुआ सेस। समझ गए? तो अब आप राज्य सरकारों को दोगे वो फिर 40 ही दोगे, वो 20 का 40% यानी 8 वो आप नहीं दोगे। बात समझ गए? तो आपकी कुल टैक्स आमदनी है 120, 100 से 120 हो गई, लेकिन अब राज्य सरकारों को कितना दे रहे हो? 40, उतना ही दे रहे हो जितना पहले दे रहे थे। तो इन्होंने क्या किया है, पिछले साल भर में चूंकि दुनिया भर के तेल के दाम बहुत गिरे,
तो इन्होंने तेल के दाम, असल में पेट्रोल का दाम जो थोड़ा बहुत गिरता है उससे काफी कम हो जाना चाहिए, इन्होंने पेट्रोल के ऊपर सेस बढ़ा दिया है। तो सेस बढ़ने के चलते पेट्रोल का दाम उतना नहीं गिरा, लेकिन सरकार की आमदनी बहुत बढ़ गई ना, और सरकार की आमदनी तो बढ़ ही गई, उसमें से राज्य सरकार को देने की जरूरत नहीं है, बढ़िया हो गया ना। तो इस तिकड़म से अब देखिए, इसमें आंकड़ा है, सेकेंड लाइन जो है वो सरकार की कुल टैक्स आमदनी है, दिख रहा है पिछले साल का। बीई का मतलब होता है सरकार जो शुरू में घोषणा करती है, बजट एस्टिमेट। तो ये देख रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सरकार ने बजट में जो प्रस्तुत किया उसको बोलते हैं बजट एस्टिमेट। जैसे इस साल का जो आंकड़ा है वो बीई होगा ना, बजट एस्टिमेट। तो पहला आंकड़ा है कि सरकार ने घोषणा क्या की, और दूसरा आंकड़ा जो है आरई, उसको बोलते हैं रिवाइज एस्टिमेट, यानी उतना उन्होंने वाकई किया साल के अंत में। तो वाकई जो किया पिछले साल वो इस साल के बजट के आंकड़ों में आता है कि पिछले साल हमने वाकई क्या किया। समझ गए, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा इकोनॉमिक्स है लेकिन अब थोड़ा बोर ही होता है, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा, क्या कर सकते, वही सुनने आया। तो सरकार की कुल टैक्स आमदनी, ग्रॉस टैक्स, साल भर के अंदर कितना बड़ा, 10,120 करोड़, समझ आया, तीसरा कॉलम। लेकिन इन्होंने राज्य सरकारों को जो ट्रांसफर किया वो माइनस पिछले जितना उन्होंने कहा था उसे 17,000 कम दिया है। और सेंटर का हिस्सा असल में 27,000 है, यानी कागज पर इतना बड़ा राज्य सरकार को उन्होंने 10,120 में से 40% छोड़िए, जो जितना देना चाहिए था उसका भी कम दिया, 17,000 कम। और ऐसे में 17 और ये मिलाकर ये हो गया ना, तो केंद्र सरकार का असल में जो टैक्स आमदनी है ये हुआ इसलिए क्योंकि इन्होंने सेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए और टैक्स कम इकट्ठा किए। तो टैक्स कम इकट्ठा किए तो राज्य सरकार का हिस्सा कम हो गया ना, लेकिन चूंकि सेस, अरे इन्होंने पिछले साल 80,000 करोड़ रुपए सिर्फ पेट्रोल के ऊपर सेस से कमाया है, पेट्रोल और डीजल के 80,000 कोटी। तो उतना सेस बढ़ाने के चलते सरकार की टैक्स आमदनी तो व्यवस्थित बढ़ी, राज्यों की घट गई। और फिर वे भाषण में बोलते हैं कि अरे भाई हमारा तो बुढ़िया बुरा हाल है क्योंकि हम राज्य सरकारों को ज्यादा टैक्स आमदनी दे रहे हैं, ऐसे तो झूठे हैं, है ना, दो नंबर की खोटाटे, अब एक काफी हो गया, दो कर देते हैं। और उसके चलते राज्यों को जो ट्रांसफर हो रहा है 42% नहीं, कितना पहुंच गया है, 34% पिछले साल, और इस साल वो कह रहे हैं कि 35% होगा, यानी 32 से 35 ही पहुंचा ना। और वाकई साल के अंत में कितना होगा, और कोई तिकड़म करेंगे तो शायद वो वापिस 32 पे आ जाए। तो ये जब बोलते हैं कि हमने राज्य सरकारों को पैसे ज्यादा ट्रांसफर किए, ये भी झूठ बोल रहे हैं, वाकई ट्रांसफर नहीं कर रहे। और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को तो असल में ट्रांसफर एब्सोल्यूट संख्या में घट गया है, ये बजट में आ जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ी जटिलताएं थी जिसको समझना जरूरी है, आगे बढ़े। जहां कोई चीज तुरंत समझ में ना आए, टेक्निकल सवाल हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर आपका रह जाएगा। अगले मुद्दे पर चलते, अब चौथा बजट का भाषण, उसी में पहले चार पांच पैरा में ही अभी हूं मैं। उसके बाद वित्त मंत्री बोलता है कि हमारी जो परकीय वो है, एक्सटर्नल सेक्टर जो है, यानी जो विदेशी लेन देन है वो तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, एक्सटर्नल सेक्टर, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो पहले इतने कभी नहीं थे वो कहाँ पहुंच गए, 350 अब्ज डॉलर, इतना हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार इकट्ठा हो गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कुल मिलाकर जो हमारी जो डॉलर की आमदनी है
वो माइनस में है, लेकिन वो माइनस में कितनी है, पहले यदि 80 थी तो अब 30 हो गई है, यानी वो कम हो गई है, अभी भी नेगेटिव में ही है। वो ये नहीं कह रहे कि पॉजिटिव में है, यानी अभी भी वो नेगेटिव में है लेकिन कम हो गया है, लेकिन हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है भाई, वो तो गजब हो गया है, 350 अब्ज डॉलर पहुंच गया है, तो हमारी कोई समस्या है ही नहीं। इसमें भी झूठ बोल रहे, असलियत क्या है? असलियत जाननी है तो जो आंकड़ा हमको देखना चाहिए वो विदेशी कर्जे का देखना चाहिए, जिसकी कोई बात नहीं करता। लेकिन कर्जे की बात करने के पहले ये विदेशी मुद्रा भंडार का रहस्य का थोड़ा भंडाफोड़ करें। हर चीज रहस्य ही होती है, इतना झूठ बोलते हैं सब। ये ठीक बात है कि इनका विदेशी मुद्रा भंडार 350 अब्ज डॉलर है, लेकिन ये वैसे ही मामला है कि आप बैंक से कर्जा लें 1 कोटी, हमारे लिए 1 कोटी बहुत होता है ना, 1 कोटी कर्जा ले और फिर घूमते फिरे कि हम तो करोड़पति हो गए। अरे भैया वो चुकाना पड़ेगा ना। ये इनका विदेशी मुद्रा भंडार वैसे ही है। विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब सरकार की आमदनी नहीं होता, विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब होता है देश में कुल मिलाकर कितना विदेशी पैसा आया नेट, यानी कुछ हम कमाते हैं और कुछ विदेशी कंपनियां लेकर आती हैं, तो हमारी कमाई तो नेगेटिव में है, इसीलिए करंट अकाउंट डेफिसिट नेगेटिव में है, हमारी कमाई नेगेटिव है। कमाई नेगेटिव है तो विदेशी मुद्रा भंडार कहां से आया, सवाल नहीं उठना चाहिए। विदेशी मुद्रा भंडार इसलिए बड़ा है क्योंकि विदेशी कंपनियां भरपूर पैसा भारत में लेकर आ रही हैं, उसमें ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में जुआ खेलने के लिए है, तो चूंकि वो पैसा जो आया हुआ है वो हो गया इनका विदेशी मुद्रा भंडार, लेकिन इनका नहीं है ना, तो ऐसे में विदेशी कंपनियां जब वापस ले जाना चाहेंगी ले जाएंगी, ये डूब जाएंगे। तो विदेशी कंपनियां जो पैसा वापस ले जा सकती हैं उसके 2 प्रकार हैं। एक वो पैसा है जो तुरंत वापस ले जा सकते हैं, कंप्यूटर का बटन दबाया, आप जानते हैं नेट का जमाना है, कंप्यूटर का बटन दबाया पैसा बाहर। और कुछ पैसा वो है जो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे कारखाने में लगाया हुआ है, तो उसको आप तुरंत नहीं ले जा सकते। तो कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म है। तो ऐसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हाँ अब इसमें एक और बात समझ, अब हो क्या रहा है जो विदेशी, क्योंकि इनकी डॉलर की आमदनी तो माइनस में है, तो जब ये कोई सामान खरीदते हैं बाहर से, जैसे आपने मान लीजिए पेट्रोल ही खरीदा, तो आप तो रुपए में देंगे लेकिन पेट्रोल के लिए तो सरकार को डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है ना, डॉलर कहां से आएगा? तो डॉलर यहां से आता है कि जो विदेशी पैसा भारत में आ रहा है जुआ खेलने के लिए, उस पैसे में से कुछ पैसा सरकार, क्योंकि वो पैसा सरकार के पास जाता है, क्योंकि भारत में जब विदेशी कंपनियां हैं तो वो धंधा किस में करेंगी, रुपए में करेंगी ना, तो विदेशी पैसा जब भारत में आया तो वो पैसा सरकार के पास जाता है, उसके बदले वो रुपया लेकर यहां बिजनेस करते हैं, और फिर जब वो वापस जाने लगते हैं तो फिर वो सरकार से बोलते हैं कि हमारा डॉलर वापस करो, तो रुपया देते हैं डॉलर लेते हैं और डॉलर वापस ले जा सकते हैं। तो जो सरकार के पास डॉलर इकट्ठा हो रहा है उसमें से कुछ डॉलर वो इंपोर्ट के लिए दे रही है, तो उसके चलते सरकार के पास जितना डॉलर का भंडार है उसकी तुलना यदि इससे की जाए कि जो विदेशी डॉलर वाकई भारत में आए हुए, जैसे मान लीजिए समझाने के लिए 100 डॉलर मान लीजिए बाहर से आया और सरकार ने उसमें से 20 खर्च कर दिया, तो सरकार के पास तो 80 बचा ना, लेकिन सरकार की लायबिलिटी कितनी है 100, बात समझ गए ना भाई, 100 डॉलर सरकार के पास किसी ने दिया हुआ है ना, उसमें सरकार ने 20 खर्च कर दिए तो सरकार जाने, लेकिन तो विदेशी कंपनी यदि वापस 100 मांगेगी तो इनके पास होगा है देने के लिए, नहीं होगा क्योंकि इनके पास तो 80 बचा है। तो जो पैसा तुरंत वापस जा सकता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, यानी जल्दी जो पैसा वापस जा सकता है,
मैंने बताया ना, कुछ पैसा है जो विदेशी कंपनियों ने बिजनेस वगैरह में लगा रखा है, वो तुरंत वापस नहीं ले जा सकते। कुछ पैसा है जो वो तुरंत ले जा सकते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो भारत सरकार की है, अब ये आंकड़े तुरंत तुरंत नहीं देते, तो इसलिए हमने जब इनका फॉरेन, अभी ये बोल रहे हैं 350 अब्ज डॉलर है रिजर्व, जब इनका रिजर्व था 300 बिलियन डॉलर, सॉरी 300 बिलियन डॉलर, तो इनकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो थी, अब मैं उसकी परिभाषाओं में नहीं जा रहा, किसी का इंटरेस्ट होगा तो मैं बाद में समझा दूंगा, ये आंकड़े मेरे ही हैं। इनका जो टोटल शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है वो है 415 अब्ज डॉलर। फर्क समझ गए? यानी सरकार के पास है 350, और यदि विदेशी कंपनियां तुरंत वापस ले जाना चाहे तो कितनी मांग करेंगी? 415। इनके पास है क्या देने को? नहीं है। तो यदि वाकई विदेशी कंपनियां इनसे पैसे मांगने लगे कि हम चले, तो अर्थव्यवस्था दोबारा कंगाल हो जाएगी। ये इनकी सच्चाई है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में घूम रहे हैं डॉलर मांगते हुए। क्यों? उसके लिए एक और आंकड़ा देखिए जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। हाँ, कहाँ गया? अबे सर, जिस आंकड़े की चिपका रखा है, जिस आंकड़े की कोई चर्चा नहीं कर रहा, अब उसकी चर्चा कर रहा। ये तो बात समझ गए ना, इनका विदेशी मुद्रा भंडार जो है पूरा फर्जी, इनकी लायबिलिटी उससे ज्यादा है। इनकी वाकई स्थिति क्या है वो इस चार्ट से समझ में आता है। देखिए, ये वो आंकड़ा है जिसकी कोई अखबार चर्चा ही नहीं करता, ये चर्चा ही नहीं करता। आपको ये आंकड़ा नेट में टाइप करना पड़ता है कि फॉरेन डेट कितना है तो आपको मिलता है। कोई अर्थशास्त्री इसकी बात नहीं करता, बजट के इतने कमेंट्स आए, कोई उस पर लेख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये उनकी असलियत बताता है। इनका फॉरेन डेट बढ़ते बढ़ते, अभी का आंकड़ा मतलब पिछले साल का आंकड़ा, मैंने इस साल का भी नहीं देखा, 474 बिलियन डॉलर्स, दुनिया के सबसे ज्यादा कर्जदार देशों में से ये है। 474 बिलियन डॉलर, उसका यदि 10% भी इनको सालाना चुकाना है तो 47 बिलियन डॉलर इनको इस साल चाहिए, नहीं तो इनको अपने आप को कंगाल घोषित करना पड़ेगा। प्रॉब्लम समझ गए? ये इनके पास कहां से आएगा? इनकी कुल आमदनी तो नेगेटिव है, ये इनकी असलियत है। तो एक तरफ इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो असल में खोखला है और लायबिलिटी ज्यादा है, और दूसरी तरफ इनका विदेशी कर्जा जो आसमान छू रहा है, और ये दुनिया के सबसे कर्जदार देशों में से है। जिस देश की अर्थव्यवस्था की इतनी खराब हालत है कि वो विदेशी कंपनियों के मोहताज है, और यही कारण है, बात सिर्फ मोदी के नहीं है, मनमोहन सिंह भी यही करते थे, मोदी भी वही कर रहे। मनमोहन सिंह भी सत्ता में आने के बाद खूब देश का, दुनिया का दौरा किए, तब से सरकार की हालत और खराब हो गई, तो मोदी और भी ज्यादा दौरा कर रहे। वो अलग बात है कि थोड़ा डांस भी करते हैं बीच बीच में, लेकिन दौरा करने का असली मामला क्या है? जुकरबर्ग को क्यों गले पकड़ रहे हैं? अरे भाई, असली मामला क्या है कि डॉलर थोड़ा भारत में लेकर आओ, हमको विदेशी पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए वो कर्जा चुकाने के लिए। ये इनकी असलियत है, और यही कारण है कि हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये विदेशी कंपनियों को छूट देते चले जा रहे हैं,
यहां तक कि बैंक का, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, बैंक का प्राइवेटाइजेशन शुरू कर रहे हैं, तो उसमें भी विदेशी कंपनियों को हैंडओवर करने का प्रस्ताव है, क्योंकि ये देश उनका मोहताज हो चुका है। जो जो देश इतना मोहताज हो चुका हो, वो देश अपने आप को आर्थिक महासत्ता बोले, इससे बड़ा झूठ और विडंबना क्या हो सकती है। अपने लोगों को उल्लू बनाना है, अपने लोगों को सच्चाई से दूर ले जाना है, हर मुद्दे पर ये ऐसा करते हैं। यूपीए भी वही कर रही थी, भाजपा उनकी बाप है। तो और आगे चले, अब सीधे बजट पर आते हैं। बजट का मामला क्या है? बजट का मामला यह है कि बजट का मामला समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट समझना जरूरी है, जिससे कि इनके बजट की पोल खुलती है, जिसके बारे में ये चर्चा नहीं करते और सब मानकर चलते हैं कि वो एक इकोनॉमिक सिद्धांत है जो सही है, और वो इकोनॉमिक सिद्धांत है फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय टूट। वित्तीय टूट का मतलब है सरकारी खर्चा माइनस सरकारी आमदनी। ये तो स्पष्ट सिंपल। अब आपको लगेगा कि भाई वो कम होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी जब अपना, जैसे आप यदि 10,000 रुपए कमाते हैं, तो जाहिर है तौर पर 11,000 खर्च करेंगे तो 1,000 कहां से आएगा ना। तो हमारे जीवन में जो चीज लागू होती है वो सरकार पे लागू नहीं होती। और ये बात आज से बहुत पहले एक सिद्धांतकार हुए थे जो दुनिया के नामी गिरामी अर्थशास्त्री थे, कीन्स, ये उन्होंने स्थापित की थी। कीन्स ने यह कहा था कि कोई देश जो गरीब हो, मैं उसके अभी उतने डिटेल्स में नहीं जा रहा क्योंकि समय बीतता जा रहा है और मुख्य बजट पे अभी शुरू ही हुए हैं हम लोग। कीन्स का यह कहना था कि भारत जैसे देश के लिए, यानी जिस देश में गरीबी है, बेकारी है वगैरह वगैरह, उस देश में सरकार यदि अपना बजट घाटा या वित्तीय टूट बढ़ाए तो वो गलत नहीं है, सही होगा। बल्कि वो यहां तक कहता है कि गरीबी दूर करने के कदम न उठाना वित्तीय टूट के बहाने, ये पूरा फ्रॉड है। ये उसको उसको लिए वो शब्द इस्तेमाल करता है, हम्बग ऑफ फाइनेंस, वित्त का क्या बोलेंगे, हम्बग को क्या बोलेंगे, हाँ, वित्त का गौड़ बंगाल, पाखंड, कुछ भी बोल दीजिए, ये कीन्स के शब्द। तो भारत जैसे देश के लिए, बल्कि भारत ही नहीं, दुनिया की सब महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं जब उनकी अर्थव्यवस्था संकट में होती है वो वित्तीय टूट बढ़ा देते हैं। जापान आज तक वित्तीय टूट बढ़ाता चले जा रहा है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था माइनस में चल रही है। 2008 में अमेरिका की अर्थव्यवस्था कोसल ली, आपको मालूम होगा, सारे इनके बैंक वगैरह डूब गए थे ना। तो उस समय अमेरिका ने वित्तीय टूट भारत से भी बहुत ज्यादा पहुंचा दी थी, 10% से ऊपर पहुंच गई थी। तो ये दुनिया का, यानी ये सारी विदेशी सरकारें जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो वित्तीय टूट बढ़ा देते हैं, लेकिन हमको उपदेश देते समय बोलते हैं कि ना भाई, तुमको अपना वित्तीय टूट कम रखना चाहिए। क्यों? अब उसकी कहानी में नहीं जा सकते। इस देश ने जब ग्लोबलाइजेशन शुरू किया और विश्व बैंक की शर्तें मानी, तो उन शर्तों में से एक शर्त यह है कि भारत को अपना वित्तीय टूट कम करना पड़ेगा। उसके पहले भारत सरकार वित्तीय टूट की अपने बजट में चर्चा ही नहीं करती थी, ये शब्द है ही नहीं इकोनॉमिक सर्वे में। विश्व बैंक की शर्त लगने के बाद इन्होंने वित्तीय टूट की बात करना शुरू किया, और उसका कारण यह है कि वित्तीय टूट एक बहाना बन जाता है सरकारी खर्चों को कम करने का। क्यों? अभी आगे चर्चा करेंगे। तो खैर, मुख्य बात यह है कि वित्तीय टूट का सिद्धांत जो असल में फर्जी सिद्धांत है। अब आप बोलेंगे भाई हम क्यों बोल रहे हैं, सारे बड़े अर्थशास्त्री रोज अखबार में लेख आ रहे हैं कि वित्तीय टूट कम होना चाहिए। हां, सभी झूठ बोल रहे हैं, अधिकांश जो जनपक्षधर अर्थशास्त्री हैं,
यानी जो सरकारी अर्थशास्त्री नहीं है, जो ईमानदारी से अपनी बात कहने की हिम्मत रखते हैं, जिनको हयात रेजिडेंसी में और विदेशों में जाकर सेमिनार्स में भाग नहीं लेना है क्योंकि वहां पर ये नहीं चलेगा, वो यही कहते हैं जो मैं कह रहा हूं कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन सारे सरकारी अर्थशास्त्री विश्व बैंक की बात दोहरा रहे हैं क्योंकि सबका लालच है कि कल उनको विश्व बैंक की नौकरी कब मिलेगी। इतने बड़े पैमाने पर ये झूठ इस देश पे परोसा जा रहा है और हम सब पी चुके हैं। तो इस सिद्धांत के तहत हर वित्त मंत्री पिछले 20 सालों से वित्तीय टूट कम करने की कोशिश कर रहा है। जेटली भी सत्ता में आने के बाद देशभक्ति की बात करते हैं और विश्व बैंक के तलवे जानते हैं, यही है ना इनकी देशभक्ति। तो जेटली भी सत्ता में आने के बाद तुरंत यही भाषण दिए कि हाँ वित्तीय टूट कम करना हमारी प्रधानता रहेगी, और उसके चलते चिदंबरम ने जो वित्तीय टूट की घोषणा की थी 4.1% जीडीपी से तुलना की जाती है, तो जेटली ने कहा भाई वो टारगेट कठिन है लेकिन हम किसी भी तरह से पूरा करेंगे, और इतना ही नहीं आने वाले सालों में और कम करेंगे, और उन्होंने उसको 3.9% पे पिछले साल लाने की बात की। इस साल वो बोले हैं कि 3.6% पे लेकर आएंगे, अब कह रहे हैं कि 3.6 भी नहीं 3.5 पे ले आएंगे, और फिर अगले साल 3% पे ले आएंगे। तो जेटली भी वही कर रहे हैं जो चिदंबरम कर रहे थे और तेजी से कर रहे हैं, वित्तीय टूट कम करने की बात कर रहे हैं। अब वित्तीय टूट कम करने का सिद्धांत का असली मामला क्या है, क्यों विश्व बैंक हम पे थोप रहा है जबकि पश्चिमी देशों पे नहीं थोपता, वो इसको नहीं मानते। हमारे ऊपर इसलिए थोप रहा है क्योंकि ये बहाना बन जाता है सरकारी खर्चे कम करने का। लेकिन सरकारी खर्चे किस पर? गरीबों पर, अमीरों पर नहीं। तो गरीबों पर सरकारी खर्च कम करने के लिए वित्तीय टूट का सिद्धांत इस्तेमाल किया जाता है, और अमीरों पर खर्चे बढ़ाए जाते हैं उसके लिए एक नया सिद्धांत दे दिया है, उसको बोलते हैं सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, कि अमीरों को छूट दो क्योंकि उससे वो उत्पादन बढ़ाएंगे। गरीबों को छूट दोगे तो वो मेहनत ज्यादा करेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो और अच्छा काम करेंगे, इसकी कोई बात नहीं करता, गरीब है ना। अमीरों को छूट दो जो वैसे बैंकों के कर्जे डुबा रहे हैं, जिनकी फैक्ट्रियां डूब रही हैं, जो हर किस्म के घोटाले कर रहे हैं, उनको और छूट दो क्योंकि वो उत्पादन बढ़ाएंगे। ये सिद्धांत है, दो पैरेलल सिद्धांत चल रहे हैं, एक तरफ वित्तीय टूट कम करने का बहाना और उस बहाने से गरीबों पे खर्च कम किए जाए, और उधर सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स कि अमीरों को छूट दी जाए, दोनों एक साथ चल रहे हैं। मैं उसके और डिटेल्स में नहीं जा रहा, मतलब एक रोचक है काफी उसमें डिटेल्स कि कैसे ये फ्रॉड चल रहा है, लेकिन फिलहाल इतना ही। तो पिछले 20 सालों से हर सरकार वही कर रही है। हम बीजेपी को ज्यादा कोस रहे हैं क्योंकि अभी वो सत्ता में है, पहले यूपीए को कोसा करते थे, वो भी वही कर रहे थे। बीजेपी उनका ज्यादा भयंकर रूप है क्योंकि सांप्रदायिक भी, और तेजी से और निष्ठुरपणे लागू कर रही है। लेकिन वही लागू कर रही है जो यूपीए ने किया और जो पिछले 20 सालों से हो रहा है, कि गरीबों पर खर्चे कम किए जाएं, अमीरों पर खर्चे बढ़ाए जाएं। अब एक दूसरी बात करें, मान लो फिलहाल मैंने जो कहा उसको भूल जाइए, मान लो कि वित्तीय टूट का सिद्धांत सही है, ऐसे में वित्तीय टूट कम करने के दो तरीके हुए ना, सरकार की आमदनी बढ़ाई जाए और सरकार के खर्चे कम, दोनों तरीके से वित्तीय टूट कम हो जाएगी ना। लॉजिक समझ गए? सिंपल लॉजिक है ना।
तो सरकारी खर्च कम करने की तो बात करते हैं, सरकारी आमदनी बढ़ाने के मामले में जरा देखा जाए क्या करती है। एक आंकड़ा देते हैं, हर साल सरकार अपने बजट में एक आंकड़ा देती है, इस साल भी उन्होंने दिया है कि पिछले साल हमने अमीरों को कितनी टैक्स माफी दी, अमीरों को कितनी छूट दी। और आपको मालूम है वो आंकड़ा कितना है? इस साल का बजट में पिछले साल सरकार कहती है कि हमने 5.5 लाख कोटी, इतनी अमीरों को छूट दी, उनको इतनी छूट दी। इसमें हीरे जवाहरातों पर 70,000 कोटी रुपए है छूट, ताकि गहने सस्ते हो जाए, ताकि अमीरों की बेगमें और आसानी से गहने खरीद लें। तो अमीरों को इतनी छूट, तो यदि वाकई वित्तीय टूट कम करनी थी तो ये छूट कम कर दी होते ना। लॉजिक आया समझ में? आंकड़ा देखिए तुलनात्मक, अमीरों को टूट जो इस साल के बजट का आंकड़ा है 5.5 लाख कोटी और वित्तीय टूट है 5.3 लाख कोटी। यानी यदि अमीरों को छूट नहीं दिए होते तो वित्तीय टूट गायब, इनका सरप्लस हो गया होता। ये झूठ बोल रहे हैं। यानी मैं इतना ही कहना चाहता हूं इस आंकड़े से साबित करने के लिए कि वित्तीय टूट का सिद्धांत फर्जी है। ये वित्तीय टूट वाकई कम नहीं करना चाहते, वित्तीय टूट इनके लिए बहाना है सरकारी खर्चे कम करने का। अब एक और मजेदार बात, इन्होंने ये जो अमीरों को छूट दी जा रही है इसको नाम मालूम क्या दिया है? इस साल नाम बदल दिया है। पहले बोलते थे अमीरों को छूट, एग्जेम्पशन शब्द इस्तेमाल करते थे, अब छूट के बदले बोलने लगे हैं इंसेंटिव्स। ये नया शब्द है, मैं आंकड़ा ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रहा था फिर नेट पे सर्च किया तो ये आंकड़ा मिला। क्या हुआ? ये अब नाम बदल दिया है, ये इंसेंटिव है, प्रोत्साहन है, तुमको छूट दी जा रही है ताकि तुम और कमाओ। और वो अमाउंट कितना है? इतना ज्यादा। आगे बढ़, ये एक किस्म की छूट है अमीरों को, ये पिछले साल का आंकड़ा है। इस साल कितना देंगे वो अगले साल के बजट में पता चलेगा, उतना ही होगा। ये आंकड़ा हर साल बढ़ता चले जा रहा है। इस साल का आंकड़ा यानी पिछले साल का आंकड़ा, पिछले 10 सालों के आंकड़े सरकार ने अभी तक उपलब्ध कराए हैं, उसके पहले नहीं देते थे। पिछले 10 सालों के आंकड़ों में ये सबसे ज्यादा आंकड़ा है, रिकॉर्ड है। हर साल छूट बढ़ती चली जा रही है तो अगले साल और बढ़ जाएगी। लेकिन इसके अलावा इस साल के बजट में भी इन्होंने कई छूट अनाउंस की है। कुछ उदाहरण, हाँ उसके पहले एक आंकड़ा और दे दें। ये जो अमीरों को टैक्स की छूट दी जा रही है उसके चलते सरकार की जो कुल टैक्स आमदनी है जीडीपी की तुलना में वो दुनिया के अधिकांश देशों से कम है। 18% थी आज से करीब 4 साल पहले, अब वो 16% पे आ गई है। जबकि अफ्रीका के देश, गरीब देश, वो 27% टैक्स इकट्ठा करते हैं और यूरोप के देश 36% टैक्स इकट्ठा करते हैं। उनका जीडीपी ज्यादा है, उस जीडीपी का 36% इतना ज्यादा इकट्ठा करते हैं। यही कारण है कि उनके यहां सोशल सिक्योरिटी, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, तमाम चीजों पर खर्च बहुत ज्यादा है। उनके आप जानते ही हैं, फुल फ्री हेल्थ केयर है, फुल फ्री एजुकेशन है,
बहुत बढ़िया सामाजिक सुविधाएं हैं, क्यों? वो उतना टैक्स इकट्ठा करते हैं। ये टैक्स इकट्ठा करते ही नहीं, 18% वो भी गिर गया है, 16% पे आ गया है। जब टैक्स इकट्ठा करोगे ही नहीं तो जनता पे खर्च कहां से करोगे? छूट देते चले जा रहे हो अमीरों को। तो एक तरफ तो इनकी टैक्स की आमदनी वैसे ही बहुत कम है, ऊपर से और आंकड़ा लीजिए, इस साल के बजट में उन्होंने घोषणा की है कि और कई प्रकार की छूट अमीरों को दे रहे हैं। इनको मैं छूट क्यों बोल रहा हूं अभी समझा देता हूं। पहला, बैंकों को, बैंक का, पब्लिक सेक्टर बैंक का पिछले कई दिनों से लगातार लेख आ रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक इनके घाटे में है, और कभी कभार ये भी आ जाता है घाटा इसलिए है क्योंकि बड़ी कंपनियां कर्जा नहीं चुका रही। उसके लिए कोई बड़ी कंपनियों को दोष नहीं दे रहा, उसके लिए बैंक प्राइवेटाइज किए जाएं क्योंकि बैंक अच्छी तरह से नहीं चल रही, ये मांगनी चल रही है। कमाल की बात है ना, यानी ये मांगनी की जाए कि रिलायंस कर्जा नहीं चुका पा रहा तो रिलायंस की कंपनी सरकार टेक ओवर करे या बैंक ऑफ महाराष्ट्र टेक ओवर करे, क्योंकि वो कर्जा नहीं चुका पा रहे, वो अपनी कंपनी ठीक से नहीं चला रहे। रिलायंस की कोई बात नहीं कर रहा, सब बोलते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा नहीं चल रहा, उसका प्राइवेटाइजेशन किया जाए। अजीब लॉजिक। तो सरकारी आंकड़े अभी जो आए हैं उसमें पिछले साल भाजपा के राज्यकाल में, पिछले से पिछले साल पहला साल उनका, 52,000 करोड़ के कर्जे माफ किए गए ऑफिशियल, और ये कुल मिलाकर जो पिछले 10 सालों में कर्जे माफ किए गए उसका 25% है, 25% एक ही साल में माफ किए। ऐसी ये सरकार कि अमीरों की टैक्स माफी बढ़ाती चली जा रही है। अब बैंक नहीं डूबेंगे तो क्या होगा? तो बैंक को डूबने से बचाने के लिए सरकार बैंकों में पैसे डालती है, उसको बोलते हैं रिकैपिटलाइजेशन, यानी बैंकों में पैसा डालना। मामला क्या है, बैंकों को पैसा क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि रिलायंस पैसा नहीं दे रहा ना, लॉजिक समझ गए? तो एक प्रकार से ये जो पैसा दिया जा रहा है ये रिलायंस की जेब में जा रहा है। इस साल उन्होंने वो आंकड़ा दिया है 25,000 करोड़। तो ये सब्सिडी हो गई ना अमीरों को, ये देने की क्या जरूरत थी यदि रिलायंस पर डंडा चलाते कि कर्जा चुकाओ, अडानी पे कहते कि कर्जा चुकाओ नहीं तो तुम्हारी कंपनी टेक ओवर कर रहे हैं, बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास, स्कूटर से हवाई जहाज में घूमते हो, प्रधानमंत्री भी उसी में घूमता है। लेकिन प्रधानमंत्री का हवाई जहाज कैसे टेक ओवर करेंगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अडानी का हवाई जहाज टेक ओवर करने के बदले स्टेट बैंक को प्राइवेटाइज कर रहे। उसके बाद इस बजट में उन्होंने कहा है, सरकार लगातार पिछले साल से कह रही है कि हम धीरे धीरे बैंकों का खासगीकरण करने जा रहे हैं, और उसके लिए इस साल के बजट में उन्होंने घोषणा की है कि एक नई संस्था बनाई जा रही है, बैंकिंग बोर्ड्स ब्यूरो, जो ब्यूरो इवेंचुअली ये सारे बैंकों को टेक ओवर करेगा। सरकार की भूमिका नहीं होगी और ये ब्यूरो फिर उन बैंकों को चलाएगा, और उसमें सरकार की होल्डिंग 40% से नीचे आ जाएगी। ये ब्यूरो की स्पेसिफिक सिफारिशें हैं, उसका जो भूमिका है उसके बारे में जो आया है कि ब्यूरो क्या करेगा। तो इस साल बैंकिंग बोर्ड्स ब्यूरो चालू होने वाला है, ये बजट में कहा गया है। तो बैंकिंग बोर्ड्स ब्यूरो चालू होने का मतलब है प्राइवेटाइजेशन का पहला कदम, यानी ये सारे जो बड़े बड़े बैंक हैं जिनमें आपके और हमारे पैसे जमा हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, जब ये प्राइवेट हो जाएंगे तो इनकी गारंटी नहीं रहेगी। अभी ये बैंक फायदे में कि घाटे में है सरकार की गारंटी होती है, ये चलते हैं। अमेरिका और यूरोप में उनके बैंक डूबे, दसियों हजार लोगों के पैसे डूब गए क्योंकि बैंक बंद हो गए। हमारे यहां बैंक बंद नहीं हुए, सरकारी बैंक बंद नहीं हुए, प्राइवेट होते रहे। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहले
लगभग 550 बैंक बंद हुए थे। उसके बाद राष्ट्रीयकरण हुआ और बैंक बंद होना थमा। 550 बैंक बंद हुए, कल्पना कीजिए, 23 सालों में, 24 साल नहीं, 23 साल, 23 सालों में 550 बैंक, हर साल 20 बैंक से ज्यादा बंद होते थे। फिर सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया और लोगों की सेविंग्स सुरक्षित रहना शुरू की। हम वापस उन्हीं अच्छे दिनों की तरफ जा रहे हैं। ये अच्छे दिन की असलियत है। तो आगे बढ़, दूसरा, सरकारी कंपनियों का खासगीकरण, वो भी आप जानते ही हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि आधी कंपनियों को स्ट्रैटेजिक सेल करेंगे। स्ट्रैटेजिक सेल का मतलब ये होता है कि कंपनी पूरी प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनी के हाथों में दे देंगे। उसका आंकड़ा है 56,000 कोटी रुपए। वो भी एक प्रकार से अनुदान ही है। उसके बाद पीपीपी के नाम पर हाईवे बनाए जाएंगे, उस पर 55,000 कोटी खर्च करेंगे। आपको मालूम नहीं आजकल क्या हो रहा है, ये सब मेट्रो बनेगा, हाईवे बनेंगे, प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं। सरकार उनसे करार करती है कि तुम बनाओ और तुमको बनाने के प्रोत्साहन के रूप में हम 40% पैसा लगाएंगे, नफा तुम्हारा, हमारी ग्रांट। तो हम ही बना लिए होते ना, हम ही को दे दिए होते, आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो सब हाईवे बन रहे हैं, इसमें कंपनी जब बोलती है, बोलती है विद इन कोट्स, वाकई कितना खर्च किया मालूम नहीं, कंपनी बोलती है कि हमने 100 रुपए खर्च किए, सरकार उनको 40 रुपीज ग्रांट देती है। ये पीपीपी का मामला है। और उस नाम पर 55,000 कोटी रुपए और दिए जाएंगे पीपीपी के नाम पर, यानी वो भी अनुदान हो गया। और ऊपर से सरकार कह रही है कि पीपीपी में फायदा नहीं हो रहा है प्राइवेट कंपनियों का, वो आना नहीं चाहते, हम उनको और छूट देना चाहते हैं। तो इस साल के बजट में कहा गया है कि वो एग्रीमेंट्स रीनिगोशिएट करने का प्रावधान हम करेंगे, ताकि उनको, वो बोलेंगे हमको और छूट चाहिए, नहीं तो हम नहीं बनाते, मुंह फुला के बैठ जाएंगे सर, नहीं, अरे तुम क्यों नहीं बनाते, हम तुमको और पैसा देते हैं ना, तो और देंगे पैसा। ये बजट में लिखा है कि ये करेंगे, रीनिगोशिएट करेंगे एग्रीमेंट्स को। तो 40 दिया और दोगे, खैर यही सब चल रहा है। और इसी के साथ एक दूसरा काम जो कर रहे हैं कि जो अमीरों की, जो सरकार की कुल टैक्स आमदनी है, एक तरफ हमने अभी तक क्या बात की, अमीरों को छूट दे रहे हैं, तरह तरह की छूट दे रहे हैं। अब दूसरी बात हम ये करना चाहते हैं कि जितना टैक्स इकट्ठा होता है उसमें से भी अमीरों पर टैक्स कम करते चले जा रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस अमीरों पर पड़ते हैं, इनकम टैक्स होता है, कॉरपोरेशन टैक्स होता है, तो अमीर चुकाते हैं ना। तो सरकार की कुल टैक्स आमदनी में डायरेक्ट टैक्स कम होता चले जा रहा है और जो सामानों पर टैक्स है वो बढ़ता चले जा रहा है। तो भिखारी से भी पैसा वसूल लेते हैं, माचिस के डिब्बे पर भी टैक्स होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जब ज्यादा होगा तो यानी सरकार आम आदमी से टैक्स इकट्ठा कर रही है, डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा मतलब अमीरों से इकट्ठा कर रही है। दुनिया के देश आमतौर पर डायरेक्ट टैक्स 55 से 65% इकट्ठा करते हैं, 55 to 65%। भारत सरकार सिर्फ 30% इकट्ठा करती है, 70% इनडायरेक्ट टैक्सेस है। और इतना ही नहीं, इस साल भाजपा ने डायरेक्ट टैक्सेस में जितना इन्होंने कहा था इतना इकट्ठा करेंगे, उससे भी 45,000 करोड़ कम इकट्ठा किया है और इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिए हैं 55,000 करोड़। तो ये पहले का आंकड़ा था जो इन्होंने बजट के समय कहा, पिछले साल के। और दूसरा आंकड़ा है जो वाकई इन्होंने किया, तो अमीरों को और छूट दी और फिर टैक्स इकट्ठा करने के लिए जनता के ऊपर सर्विस टैक्स,
सामानों पर टैक्स सेस वगैरह लगा दिया और हम आपसे पैसे वसूल लिए। और इस साल कहा है कि यही काम और करेंगे, बजट में ही कह दिया है, नीचे आंकड़ा दिया हुआ है। एक और आम जनता पे एक और कर लाद दिया है, वो डायरेक्ट टैक्स के नाम पर है लेकिन वो आम जनता पर है। अमीरों को कॉर्पोरेशन टैक्स में छूट दे रहे हैं, अमीरों को 5.5 लाख करोड़ की टैक्स में माफी दे रहे हैं, अमीरों को पीपीपी के नाम पे पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। और भरपाई कैसे कर रहे हैं, एक तरीका ये निकाल दिया है कि आपकी जो सेविंग्स हैं जो आप ईपीएफ में जमा करते हो, और माइंड यू आप ईपीएफ में सेविंग्स जमा करते हो टैक्स चुकाने के बाद, तो आपने जिस आमदनी पर टैक्स पहले ही चुका दिया है वो अब सरकार को जमा करोगे तो सरकार बोल रही है उस पर भी हम और टैक्स लेंगे, डबल टैक्सेशन हो गया। इस पे बहुत हल्ला मच रहा है, तो थोड़ा कम कर देंगे, पूरा नहीं कम करेंगे, थोड़ा कम करेंगे। मेरा अंदाजा है पहले ही सब तय था, उनको मालूम था कि हल्ला मचेगा। मजेदार बात है कि सिर्फ इस पर हल्ला मच रहा है, बाकी पे भी तो हल्ला मचाओ कि इतना टैक्स क्यों माफ किया, इतना इंसेंटिव क्यों दिया, उस पर कोई नहीं बोल रहा। ईपीएफ पे भी बोलना चाहिए, सही बात है, हम उसका समर्थन करते हैं कि ये टैक्स नहीं लागू होना चाहिए, डबल टैक्स वो भी आम जनता के ऊपर क्यों लगा रहे हो, वैसे ही सब कर उन्हीं से वसूलते हो, ऊपर से ये भी लगा दिया। तो चलिए, हाँ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, मतलब आप जब नौकरी करते हो तो उसका आपका प्रोविडेंट फंड कटता है ना जो, और उसमें एम्प्लॉयर भी पैसे डालता है आपका 8.33%, एम्प्लॉयर भी 8.33%, तो वो जो पैसा है उसको ईपीएफ बोलते हैं। अब मैं उसकी और डिटेल्स में नहीं जा रहा, मतलब आपको बाद में पूछना हो तो अंत में सवाल जवाब में ले लेंगे। तो एक तरफ जब सरकार अमीरों को उतनी छूट दे रही है, छूट पे छूट दे रही है, तो पैसे कहां होंगे खर्च करने के लिए जनता के ऊपर। और ऐसे में सरकार का जनता पे जो खर्चा है वो दुनिया के ज्यादातर देशों से कम है, 7% है। यह आंकड़ा दक्षिण अमेरिका के देशों से आधे से भी कम है, वो देश 18% खर्च करते हैं। यूरोप के देश 30% खर्च करते हैं जीडीपी का, 30% जनता के ऊपर, ये 7% खर्च करते हैं। और फिर बोलते हैं कि सब्सिडी बहुत ज्यादा है, सारे इकोनॉमिस्ट यही आंकड़ा देते हैं कि सब्सिडी बहुत ज्यादा है, कम करो। सोचिए ना कितने बड़े पैमाने पर झूठ बोला जा रहा है, ये आंकड़ा क्यों नहीं देते कि हमारे सब्सिडी हमारे जनता पे खर्चे वैसे ही बहुत कम है। ये जनता पे खर्च का आंकड़ा है, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग। अब इस साल के बजट पे आए, इस बैकग्राउंड में उसको और आगे कैसे बढ़ाया है, सो कॉल्ड प्रो पुअर बजट। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना, मीडिया से लेकर सब जब हर मुद्दे पर झूठी झूठ बोलना है, तो जब वो बोलते हैं प्रो पुअर तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। वही है आंकड़े, देखिए देखिए कुल मिलाकर हुआ क्या है, आपको बहुत संक्षेप में समझा दें। इन्होंने पिछले साल बहुत ज्यादा कटौती की, उसके पिछले साल मान लो सोशल सेक्टर पे 100 खर्च कर रहे थे, तो पिछले साल उसमें उन्होंने 30-40% कटौती कर दी। आप में से जो लोग पिछले साल के बजट भाषण में आए होंगे आपको याद हो, हमने हमारी बजट की पुस्तिका भी है बाहर, उसको पढ़ लीजिए। तो उन्होंने 100 का 60 कर दिया। इस साल चूंकि अभी चुनाव आने वाले हैं, बिहार में ये हारे भी, तो इन्होंने 60 का 70 कर दिया है। और सब बोल रहे हैं वाह वाह प्रो पुअर एक्सेट्रा। अरे बे, 100 से 70 किया ना, उसका कौन बोलेगा। और मैं महंगाई को इसमें नहीं जोड़ रहा हूं,
यानी 100 का 110 होना चाहिए था ना उसी लेवल की स्पेंडिंग पर, 10% महंगाई मान ली जाए तो 100 का 110 होने के बदले 100 का आपने 70 कर दिया, तो प्रो पुअर कहां से हो गया? वही ये इतने झूठे हैं, 3 नंबर खोटड़े हैं। आगे बढ़ गए ना, तो ये भी कहते हैं प्रो पुअर बजट, प्रो फार्मर बजट। मीडिया भी दिनदोरा पीट रहा है, प्रो फार्मर प्रो पुअर बजट। आंकड़े देखिए, इस साल के जो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर है पिछले साल बहुत कम हुआ था, थोड़ा तो बढ़ेगा ना, थोड़ी महंगाई भी बढ़ती है, तो सोशल एब्सोल्यूट फिगर्स में इसीलिए मेरे हिसाब से जो आंकड़े तुलना करने चाहिए वो ये कॉलम और ये कॉलम, यानी 2 साल पहले जो आंकड़ा प्रस्तावित था जिसमें से इन्होंने बहुत ज्यादा कटौती की और बहुत ज्यादा कटौती, यानी 100 का 60 हो गया, 60 का 70 हो गया, तो तुलना किससे करनी चाहिए? 100 से करनी चाहिए ना। लॉजिक समझिए, और इसमें अभी महंगाई नहीं जोड़ी है, एब्सोल्यूट फिगर्स है। और असल में नापना हो तो नापना चाहिए इस आंकड़े से कि कुल मिलाकर सरकार कितना खर्चा कर रही है, यानी कुल बजट में खर्चा कितना है, उसमें से गरीबों पर कितना खर्च कर रही है। लॉजिक समझ गए, वो सही आंकड़ा होगा ना। यानी सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ यूनियन बजट, बजट का मतलब है सरकार का कुल खर्चा। तो वाकई सरकार ने अच्छा किया कि बुरा किया वो समझने के लिए आपको इस आंकड़े और इस आंकड़े का रेशियो निकालना है, वो तीसरे कॉलम में। या एक दूसरा तरीका कि ये आंकड़े को सरकार की कुल टैक्स आमदनी कितनी है उससे मैच कर लीजिए, कुल टैक्स आमदनी ये है, ये उसका आंकड़ा है, उससे मैच कर लेगा, या जीडीपी से मैच कर लीजिए, ये उसका आंकड़ा है। तीनों आंकड़े क्या बताते हैं? कि सरकार का जो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर है यदि बजट के खर्चे से तुलना की जाए तो 22.5% से गिरकर 21.2% पर आ गया है। तीसरा कॉलम देखिए, 22.5, पहला कॉलम मैंने ऐसी कंपैरिजन के लिए दिया था, 10-11 में क्या हुआ उसको छोड़ भी सकते हैं। सेकंड और फोर्थ कॉलम कंपेयर कीजिए, यानी इस आंकड़े को इससे कंपेयर कीजिए तो क्या दिखता है, बड़ा कि घटा? घटा। और सभी देखिए सभी आंकड़े वही है, ये आंकड़ा भी वही है, ये आंकड़ा भी। ये है इनका प्रो पुअर की असलियत। यानी जेटली ने क्या किया, अब मैंने कैलकुलेट ये किया कि इतना इतना खर्चा या इतना खर्चा करने के लिए, यानी यही लेवल इधर भी आए तो कितना खर्चा बढ़ाना चाहिए। लॉजिक समझ गए, तो वो कैलकुलेशन ये पहुंचता है। यानी जेटली ने गरीबों पर कुल मिलाकर 66,000 करोड़ रुपए के खर्चे कम कर दिए, एक ऐसे देश में जिसमें कि जनता पर खर्चे वैसे ही दुनिया में सबसे कम है। प्रो पुअर कहां से हो गया? ये आंकड़े बता रहे। अब अलग अलग सेक्टर्स की संक्षेप में बात करें, शिक्षा में क्या हो रहा है, अब थोड़ा फटाफट चलेंगे, मैं स्लाइड थोड़ी लंबी थी इसलिए, लेकिन इसमें काफी देर लगी कंसेप्ट समझाने में। शिक्षा, कोई भी देश जो अपने आप को विकसित करना चाहे बिना जनता को शिक्षित किए विकसित हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट की बात जाने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तो यहां तक कहता है
कि यदि शिक्षा नहीं है तो राइट टू लाइफ का मतलब नहीं है, शिक्षा नहीं है तो आपको जो अधिकार दिए हैं उनका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप समझ ही नहीं सकते ना। वो सब बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए, यदि आप शिक्षित नहीं है तो आप लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, समझदारी की बातें नहीं कर सकते, अंधविश्वास से बाहर नहीं आ सकते। इसीलिए शिक्षा पे बजट नहीं बढ़ाएंगे ना, ताकि आप मान लें कि गणेश जी जो हैं वो सर्जरी हुई थी, तो वो सब बकवास तो तभी चलेगा ना। और शिव दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरणवादी, साइंस कांग्रेस में पेपर प्रस्तुत किया जाए तो। यानी शिक्षा लोगों के विकास के लिए इसेंशियल है। जिस देश में ये देश अपने बच्चों को पढ़ाने पे खर्च ही नहीं करना चाहता, जिसके चलते कि अधिकांश स्कूलों में एक क्लासरूम में एक से ज्यादा क्लासों को एक टीचर एक साथ पढ़ाता है, पता नहीं कैसे पढ़ाता हो, आप जानते हैं। और ये स्कूल्स मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स हैं जिनमें से अधिकांश स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, बिजली नहीं है, लाइब्रेरी की बात भूल जाइए। जिस देश में शिक्षा का इतना बुरा हाल है कि उस देश के, पहली लाइन देखिए, 40% बच्चे राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू करने के बाद भी 40% बच्चे आठवीं भी पढ़ाई पूरी नहीं करते, कहां से करेंगे जब शिक्षा की हालत इतनी खराब है। उस देश में सरकार अपने शिक्षा का बजट लगातार कम करती चली जा रही है। क्या हो गया, कहां से करूं कैंसिल? उस देश में सरकार का शिक्षा का बजट 2 साल पहले की आंकड़ों से तुलना करो, जैसे आपको पहले बताया था, 82,000 करोड़ से 72,000 करोड़ पर आ गया है। महंगाई की बात छोड़ दीजिए, यदि महंगाई के मानकर, महंगाई मानकर 2014-15 का बजट उतना ही रखना था तो कम से कम 90,000 करोड़, 2 साल का हो गया, सॉरी 95,000 करोड़ बजट होना चाहिए था। बजट है 72,000 करोड़, कहां से हो गया प्रो एजुकेशन बजट? और यही कारण है कि कुल बजट खर्चों में शिक्षा के प्रति जो खर्चा हो रहा है वो लगातार घटता चले जा रहा है। जीडीपी की तुलना में सरकार का शिक्षा का बजट लगातार गिरता चले जा रहा है, और जो बजट खर्चा कर भी रहे हैं वो कहां कर रहे हैं? कॉलेजों पर नहीं, हायर एजुकेशन की बात की जाए तो यूजीसी का बजट घटता चले जा रहा है, यानी सारे कॉलेज यूजीसी के अंडर आते हैं। कॉलेजों को दे रहे हैं 4,000 करोड़ और आईआईटीज, आईआईएम्स, आईसर्स को दे रहे हैं 9,700 करोड़, यानी कुछ आइलैंड्स बनेंगे एक्सेलेंस के, ताकि दुनिया में कहने को हो जाए, जैसे हम खुश रहते हैं ना कि आनंद अपना चेस चैंपियन है, खुश रहते हैं ना, अच्छी बात। बाकी तो हम आप खेल नहीं सकते, तेंदुलकर वाह वर्ल्ड चैंपियन, ग्राउंड तो है नहीं खेलने के लिए, वो बंबई में थोड़े से ग्राउंड है तो उसमें एक जीनियस निकल गया, तो हमारे आपके ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छा हो जाता है ना। असलियत क्या है, ओलंपिक में मेडल ही नहीं मिलते, वो असलियत है ना। लेकिन हम हीरोज तो ये कर क्या रहे हैं, कुछ सेंटर्स बना रहे हैं एक्सेलेंस के, कहने के लिए हो जाएगा, और इनको कुछ बढ़िया मैनेजर, कुछ टॉप क्लास इंजीनियर्स मिल जाएंगे जिनमें से आधे विदेश चले जाएंगे, वो अलग बात। और मॉडर्न कॉलेज और अंबेडकर कॉलेज को दे रहे हैं 4,000 करोड़, ये ओरिएंटेशन है एकदम स्पष्ट। और एलिमेंट्री एजुकेशन में, स्कूल शिक्षा में, ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत पैसे देना ही नहीं चाहते। राइट टू एजुकेशन में एकदम स्पष्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान इनका सारे बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देने का माध्यम है, ये उनका कानून है ना, और उसको लागू करने वाला इनका हथियार है सर्व शिक्षा अभियान। तो यदि आप वाकई सारे बच्चों को शिक्षित करना चाहो तो सर्व शिक्षा अभियान का बजट बढ़ाओगे,
ये सर्व शिक्षा अभियान का बजट बढ़ाने के बदले घटा रहे हैं। आंकड़ा देखिए, 28,000 कोटी, दो 28,000 कोटी से 22,000 कोटी पर आ गए। यहां तक कि बच्चों को जो स्कूल में खाना देते हैं उस पर भी खर्च करना नहीं चाहते, वो भी आंकड़ा घट गया है 13,000 कोटी से 9,700 कोटी। ऐसे तो ये वल्चर है जो गरीब घरों के बच्चों के मुंह से भी खाना छीन रहे हैं ताकि अमीरों को, अडानी और अंबानी को टैक्स माफी मिल सके। आगे बढ़े, स्वास्थ्य क्या बोला जाए, दुनिया का डिजीज कैपिटल है। मेरे पास फोन नहीं है, कौन सा फोन भेजू? तो जिस देश में स्वास्थ्य बजट वैसे ही दुनिया में बहुत कम है, 175 देशों में भारत की रैंकिंग 171 है, इसमें नंबर एक है, नंबर एक नहीं है, थोड़े पीछे रह गए, है ना, पांच पांच नंबर पे आ गए बॉटम से लेकर। तो जिस देश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत इतनी खराब है, देखिए डेंगू वगैरह का जो हल्ला मच रहा है, जो एपिडेमिक फैलता है, जो आतंक मचता है, मामला बहुत सिंपल है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है ही नहीं। सिंपल तरीकों से इलाज हो सकता है, लेकिन ये सारा आतंक इसलिए फैलता है क्योंकि हेल्थ सर्विसेज है ही नहीं। और यही कारण है कि दुनिया का डिजीज राजधानी है, हर बीमारी में नंबर एक ये देश है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह हैं, उनमें से सिर्फ 21% काम कर रहे हैं, 21% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काम कर रहे हैं, सरकारी आंकड़ा है। डॉक्टर्स की कमी एक और आंकड़ा है, 80% डॉक्टर्स कम है। ये डॉक्टर्स सैंक्शन ही नहीं करते, भर्ती नहीं करेंगे डॉक्टर्स को, उसके चलते ये स्वास्थ्य सेवाओं का हालत इतना खराब है कि आम लोग अपने, मतलब कुल मिलाकर देश में जो स्वास्थ्य पे खर्चा होता है, आम आदमी 72% खर्चा करता है, सरकार सिर्फ 28% खर्चा करती है। ये दुनिया का सबसे कम आंकड़ा है। दुनिया के ज्यादातर देशों में सरकार 70-80% खर्चा करती है, उतना ज्यादा हम 28% करते हैं। और इसके चलते सरकारी आंकड़ा है कि हर साल बीमारियों के चलते जो खर्चे बढ़ जाते हैं, हर साल 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। एक ऐसे देश में सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पर नगण्य कटौती, नगण्य खर्चे कर रही है। जीडीपी का 0.3%, कितना बड़ा आंकड़ा है, 0.3%, कुल मिलाकर खर्चा देखिए 2 साल में उतना ही लेवल पर है, यानी एब्सोल्यूट टर्म्स में लगभग 15% कम हो गया, महंगाई जोड़ ली जाए तो। और जो सरकार का खर्चा भी कर रही है, सरकार कहां कर रही है, आया ना आंकड़ा 38,000 करोड़ इस साल जो सरकार खर्चा कर रही है, उसमें से ज्यादातर खर्चे अब सरकार हेल्थ को प्राइवेटाइज और कैसे किया जाए उस पर खर्च कर रही है। कैसे? इंश्योरेंस सर्विसेज पे खर्चा कर रही है, लोगों का इलाज कराने पे नहीं। तुम बीमार पड़ो तो हम तुमको हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराओ। तो सरकारी पैसा प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफर करने का बहाना है। और आप जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल 10 रुपए का 100 रुपए लेते हैं, वही काम सरकारी में 10 रुपए में हो जाएगा। तो सरकार के कहने के लिए हो गया, 100 रुपए खर्चा हो गया, एक आदमी का इलाज हो गया,
असल में उसी पैसे में 10 आदमी का इलाज हो गया होता सरकारी सेक्टर में। तो ये बोलेंगे देखो हमने इतना खर्चा कर दिया, हमको फायदा मिला कुछ नहीं, क्योंकि आपने वो सारा पैसा प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह की सुविधाओं में खर्चे किए जा रहे हैं। आगे बढ़े, एक और हल्ला मचा, ग्रामीण विकास पर बड़ा खर्चा कर रहे हैं। ठीक बात है, थोड़ा खर्चा बढ़ाया है, देखिए 8,000 कोटी एक जगह तो आंकड़ा बढ़ा, लेकिन वो आंकड़ा यदि जीडीपी से तुलना की जाए तो वो भी घट गया। क्योंकि मामला एब्सोल्यूट फिगर्स का असल में नहीं होता ना, मामला होता है कि कुल देश का कितना आमदनी बढ़ी या कुल खर्चे कितने बढ़े, उसमें आपने कितना खर्चा किया। तो वो आंकड़ा भी असल में कम हो रहा है, पर जीडीपी की तुलना में, बजट आउटले की तुलना में भी कम हुआ है। यानी सरकार जो कुल बजट में खर्चा करती है उसमें भी ग्रामीण विकास पर खर्चा कम हुआ है। आखिरी कॉलम देखिए, ये इनकी सच्चाई है। उसमें एक बड़ा हल्ला मच रहा है, एक और, ये इतने अब 4 नंबर खोटाटे। एक झूठ बोल रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा नरेगा पे खर्चा किया है आज तक, जितना कभी किसी सरकार ने किया हमने किया। नरेगा मतलब जो सरकार का एक कानून है, जिस कानून के तहत हर व्यक्ति जिसको भी रोजगार चाहिए गरीबी के चलते, उसको सरकार को कानूनन रोजगार देना ही होगा साल में 100 दिन कम से कम, और नहीं दे पाए तो बेकारी भत्ता देना पड़ेगा। ये कानून है, अच्छा कानून, 100 से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन चलो 100 तो 100। आज तक यूपीए हो या कोई भी हो, कोई सरकार ने 50 से ज्यादा रोजगार उपलब्ध नहीं कराया। यानी आपको रोजगार चाहिए तो साल में 100 नहीं मिलेगा, 50 ही मिलेगा, कानून का सीधे सीधे उल्लंघन है। मैक्सिमम 53 डेज पहुंचा था 2009-10 में, और पिछले साल तो 40 ही हुआ, पिछले से पिछले साल, भाजपा के पहले साल। तो जिस प्रोजेक्ट या जो कानून के तहत सरकार को हर व्यक्ति को जिसको रोजगार चाहिए उसको रोजगार देना चाहिए, यानी उतना बजट ये कानून में निहित है कि जितना जरूरी हो अलॉटमेंट कीजिए, क्योंकि आपको रोजगार निर्मित करना है। बात समझ गए, बात इसमें बजट की होती ही नहीं, जितना चाहिए खर्चा करना पड़ेगा, कानून ये कहता है। उस सरकार तो वो कानून को ताक पे रख के इन्होंने जो खर्चा एलोकेट किया है, ये ठीक बात है कि पिछले साल से ज्यादा था, नरेगा में बड़ा है 2000 कोटि पिछले साल की तुलना, इसको मैंने 2 साल पहले से तुलना नहीं की जानबूझ के, 2000 कोटि बढ़ा दिया, लेकिन 2000 कोटि तो बढ़ाया, लेकिन 9000 कोटि बकाया है जो राज्य सरकारों ने खर्च कर दिया, कि लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं तो हमने खर्च कर दिया, अब केंद्र सरकार अगले साल देगी। तो वाकई कितना बड़ा, 2000 कोटि बढ़ाया था ना, वाकई क्या हुआ, 7000 कोटि कम हो गया। और महंगाई इसमें जोड़ी जानी चाहिए उसी लेवल के खर्चे के लिए, तो आंकड़ा यह बनता है कि इस साल कम से कम 50,000 कोटि, यानी पिछले साल का 37,000 करोड़, ये पिछले साल का है ना, तो 36 को 37 मान लो, तो पिछले साल का 37, 9000 बकाया, यानी पहुंच गया 46, और महंगाई का 4000, कितना पहुंचा 50। तो यदि आपको पिछले साल के लेवल पर भी नरेगा को बनाए रखना था
तो कम से कम 50,000 कोटी सैंक्शन करना चाहिए था, इन्होंने सिर्फ सैंक्शन किया है 38,500 कोटी, और ये कह रहे हैं कि ये आज तक का सबसे ज्यादा खर्चा है। खुटरडे नंबर 5, चलो गिनती भूल गए। अब शेती पर आए, शेती पर, शेती बजट है ये, शेती बजट। प्रधानमंत्री ने, एक बंदे ने गिन लिया, मैंने भी गिना फिर बजट में। प्रधानमंत्री ने अपने बजट भाषण में किसान शब्द का इस्तेमाल 32 बार किया है, अच्छा लग रहा है, और शेती शब्द का भी कई बार इस्तेमाल किया है, दोनों शब्द मिलाकर 50 से ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा बार शब्द इस्तेमाल करने से ये इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि सरकार उसके बारे में सोच रही है। बजट में बड़ी बड़ी बातें की गई हैं कि हम किसानों की आमदनी 5 साल में दुप्पट कर देंगे। तो देवेंद्र शर्मा लिखते हैं कि वैसे ही महंगाई, यदि महंगाई के चलते 5 साल में आमदनी दुप्पटी हो जाती है। फिर बोलते हैं कि हमने खेती का बजट 44,000 करोड़ पहुंचा दिया है, लगभग दुप्पट कर दिया है। आंकड़े क्या है, आंकड़ों पर आते हैं। खेती का संकट क्या है, दुनिया का सबसे भयंकर खेती का संकट इस देश में, ये देश ग्रसित है, जिसका मूल कारण है कि खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, खत, बिजली, पानी सब महंगा होता चले जा रहा है। उधर सरकार खेती को जो दाम मिलने चाहिए क्रॉप्स को, वो दाम नहीं सैंक्शन कर रहे। सरकार ने जो दाम सैंक्शन किए हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम है। इतना ही नहीं, जो अनाज खरीदने के सेंटर हैं वो बंद किए जा रहे हैं। ऊपर से सरकार जो खेती पर खर्चा करती है, पिछले साल सरकार ने खेती के बजट में 20% खर्चों में कटौती की थी, 20%। तो ये सारे कारणों के चलते महाराष्ट्र में ही किसानों की आत्महत्याएं पिछले साल 6 महीने में 2000 आत्महत्याएं हुई थी, उससे पिछले साल का आंकड़ा 4000 था सालाना। इतना भयंकर संकट, उस संकट में सरकार कह रही है कि हमने बहुत ज्यादा पैसे दिए। मामला क्या है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं दिए, गोलमाल किया। 15,000 कोटी रुपए पहले वित्त मंत्रालय के खाते में दिखाए जाते थे कि किसानों को, किसान जो लोन लेते हैं उस लोन का इंटरेस्ट सरकार कम करती है, बात समझ गए, मतलब बैंक का लोन करीब 12-13% में मिलता है, किसानों को सरकार देती है 4% पर, तो जो डिफरेंस है 8% वो सरकार भरती है। तो ये जो रकम थी जो सरकार भरती थी, ये पहले वित्त मंत्रालय के खाते में दिखाया जाता था, अब सरकार ने उसको उस खाते से ट्रांसफर कर दिया खेती के खाते में, और ये बताना भूल गए कि हमने ट्रांसफर किया, और बोल दिया वो 15,000 कोटी रकम थी, और उसके चलते ये बोल दिया कि हमने 44,000 कोटी खर्चा किया है। तो यदि दूसरे वित्त मंत्रालय में जो सरकार खर्चा करती है ना, वो जो पिछले साल जो उन्होंने खर्चा किया था इंटरेस्ट के ऊपर, तो यदि वो खर्चा जोड़ लिया जाए वित्त मंत्रालय से हटाकर खेती के मंत्रालय में दिखा दिया जाए, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। सबवेंशन का मतलब होता है इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो चुकाना। तो उसके चलते सरकार का खेती में खर्चा बढ़ा है, ये सही बात है, 37,000 करोड़ था पिछले साल, कम हुआ इस साल, इन्होंने उसको 2 साल पहले की तुलना में भी बढ़ा दिया है, ये सही बात है। एक जगह इन्होंने वाकई खर्चा बढ़ाया है, और वो नीचे के आंकड़ों में भी दिखता है, बजट की तुलना में 2.06 से 2.25, राइट।
सही बात है, एक क्रेडिट दिया जाए, खोटाडा एक कम हो गया। हालांकि वो इंटरेस्ट का गोलमाल किया, लेकिन चलो बढ़ाया तो सही। बात क्या है, जिस सेक्टर पर 60% लोग अभी भी जिंदा रहते हैं, उस सेक्टर पर सरकार जीडीपी का सिर्फ 0.3% खर्चा करती है। और बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, 0.27 से 0.02%। कितना बढ़ाया नहीं। और कुल बजट की तुलना की जाए तो 2% खर्चा करते हैं। यानी अमीरों को जो टैक्स कंसेशन दे रहे हैं तुलनात्मक रूप में, वो 4% जीडीपी का है, और खेती पर खर्चा कर रहे हैं इतना बढ़ाया, और अमीरों को टैक्स माफी दी इतना। ये कंपैरेटिव फिगर है इनकी प्राथमिकता का कि ये क्या कर रहे हैं। तो खेती पे खर्चा तो बढ़ाया, लेकिन खर्चा इतना कम बढ़ाया, और असल में मामला यह है कि कुल खेती पे खर्चा ही इतना कम है कि उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सिंचाई पर एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट अशोक गुलाटी, सरकारी एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि सरकार को कम से कम 50,000 कोटी सालाना खर्च करना चाहिए सिंचाई पर। 50,000 कोटी ज्यादा नहीं है, ये 6 लाख कोटी तो अमीरों को टैक्स माफी दे रहे हैं ना। सिंचाई पर कम से कम 50,000 कोटी खर्चा करना चाहिए। सरकार ने बजट में खूब बोला कि इरिगेशन फोकस होगा, खर्चा सिर्फ 5,500 कोटी किया है, 5,000 से उसमें भी कटौती कर दी है। आगे बढ़े तो खेती का संकट कम नहीं होने वाला, और इसलिए नहीं कम होने वाला कि इनका कुल खर्चा ही बहुत कम है। उसके अलावा जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया है, उसको तो ये लागू ही नहीं करना चाहते, उसके बजट में कटौती कर दी है, एब्सोल्यूट कटौती कर दी है, महंगाई का भी लेवल बनाए नहीं रखा गया है। जिस देश में अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं कि छोटे बच्चों, 5 साल से कम उम्र के बच्चे 37% कुपोषित हैं, और इकोनॉमिक सर्वे मानता है कि लहानपन में, एकदम छोटी उम्र में, या मां की कोख में जो खर्चा किया जाता है बच्चों, मां पर और बच्चे पर, वो पूरी जिंदगी बच्चे को फायदा देगा। उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम आईसीडीएस है और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, यानी माँ और प्रेग्नेंट माँ और बच्चों पर जो खर्चे किए जाते हैं, उसके बजट में सरकार ने 2 साल में 18,000 करोड़ को महंगाई जोड़ ली जाए तो 25,000 कोटी पहुंचाने के बदले 14,000 कोटी पे लाकर रख दिया है। बाकी और भी योजनाएं उसी में जोड़ ली जाए, हर एक में कटौती की जा रही। जिस देश में महिला होना एक अपराध है, अब पिछले साल का आंकड़ा था कि हर 100 सेकंड में एक महिला पर अपराध होता है, पिछले साल वो आंकड़ा बढ़ के हो गया है, अब हर 93 सेकंड्स में एक महिला पर अपराध होता है। उस देश में सरकार का जेंडर बजट एलोकेशन 2 साल पहले की तुलना में 8,000 कोटी अभी भी कम है। एब्सोल्यूट पहुंचना चाहिए था कम से कम 1,08,000, 80,000, सॉरी हाँ 1,01.8 लाख करोड़ पहुंचना चाहिए था, इन्होंने उसको 90,000 पे पहुंचा दिया है, कम कर दिया। और इतना ही नहीं,
जो महिला मंत्रालय है जो ये सारी योजनाएं लागू करता है, उस महिला मंत्रालय के बजट में भी कटौती की गई है। ये देखिए सेकंड है महिला मंत्रालय का बजट, उसमें भी कटौती की गई है। इनकी एक बहुत बड़ी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका वेबसाइट पर जाइए आपको बहुत मिलेगा कि कितना कितना कर रहे हैं। बाप रे बाप, पैसे ही नहीं देते। लेकिन पिछले साल 100 कोटी दिया, उतना भी खर्च नहीं किया, इस साल फिर 100 कोटी दिया है। प्रति जिला आधे करोड़ से भी कम। कहां से बेटी बचाओ चलेगा? मतलब भाषण के लिए मोदी बहुत अच्छे हैं ना, दुनिया में भी देते हैं अपन को भी देते हैं। दलितों की हालत जानते ही हैं, क्या बोले रोहित वेमुला के केस ने सारा, जो लोग बोलते थे कि लुकायत में भी कई बार बहसें हुई, नए साथी आते हैं बोलते हैं कि कास्ट ऑपरेशन कम हो रहा है वगैरह वगैरह, ऑब्वियस है कि ऐसा कुछ नहीं है। और इसके चलते 1970 के दशक में सरकार ने एक योजना बनाई थी कि हर मंत्रालय शेड्यूल कास्ट पर और शेड्यूल ट्राइब्स पर कुछ डेफिनेट खर्चे करेगा अपने प्लानिंग में। उसको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट सब प्लान, SC SP मतलब शेड्यूल कास्ट सब प्लान, और TSP मतलब ट्राइबल सब प्लान। और ये उसके कानून के तहत है कि आदिवासियों की आबादी जितनी है उस प्रपोर्शन में खर्चा होना चाहिए, दलितों की आबादी जितनी है उस प्रपोर्शन में खर्चा होना चाहिए, मंजे आदिवासी मंजे इस देश के कुल खर्चे का, प्लानिंग के खर्चे का 16% दलितों पे खर्च होना चाहिए, 8% आदिवासियों पे खर्च होना चाहिए। एक्चुअल में आंकड़ा ये है कि उसका आधा करते हैं, और आधा करने के चलते डेफिसिट यदि जोड़ा जाए, मतलब जो कहा गया है उसका डेफिसिट जोड़ा जाए, तो देखिए डेफिसिट बढ़ता चले जा रहा है। चलें आगे। तो जो तीसरी लाइन है, हाँ, तो कायदे के अनुसार 16% होनी चाहिए, हाँ, हर साल, हाँ, तो पहले से ही 8 है और अभी और बढ़ा। हो, मतलब सब एक ही है ना, फर्क इतना ही है कि ये ज्यादा, इनके नखून बड़े हैं, ज्यादा मांस निचोड़ते हैं। और दूसरी तरफ मिलिट्री पुलिस का तो कोई कमी नहीं होती, उसके बजट में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। 20% खर्चा करते हैं बजट आउटले की तुलना में, 20% बजट आउटले का, यानी कुल मिलाकर सरकार के जो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर्स हैं हाँ, एक और चीज बता दे, ये जो मिलिट्री खर्चा है ये ऑफिशियल खर्चा है, इसके अलावा सरकार का जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें सैटेलाइट्स का प्रोग्राम है, जो मिसाइल प्रोग्राम है वो डिफेंस में नहीं आता, हालांकि वो मिसाइल डिफेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में जाता है, तो वो खर्चे भी थोड़े से इसमें जुड़ने चाहिए। लेकिन वो छोड़ भी दिया जाए तो भी ये जो आंकड़ा है इसकी तुलना यदि सरकार जो सामाजिक क्षेत्रों पर खर्चा करती है उससे तुलना की जाए तो सरकार जितना मिलिट्री पर खर्च करती है, मिलिट्री पुलिस पर, उतना ही सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च करती है, दोनों आंकड़े बराबर है। लेकिन जहां सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर लगभग स्टैग्नेंट है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर इस साल 15% बढ़ गया है, और ये सबका परिणाम आखिरी में, इसका नतीजा ये है, ये आंकड़ा शॉकिंग है, पीछे फोर्ब्स नाम की एक इंटरनेशनल संस्था है वो हर साल अरब पतियों की सूची घोषित करती है, डॉलर में अरब पति, यानी जिनकी संपत्ति डॉलर में बिलियनर जो हो गए, अब्जादीश। 2014 में जिस समय मोदी सत्ता में आए ये आंकड़ा 56 था, एक साल में दुप्पट लगभग। मैं तो, मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ,
और जो उससे थोड़े कम अमीर हैं लेकिन बहुत अमीर, उनको बोलते हैं अल्ट्रा हाई नेटवर्थ, यानी जिनकी संपत्ति 50 मिलियन डॉलर से ज्यादा है, उनकी संख्या भी 3% से बढ़कर 2080 पहुंच गई। ये जो डॉलर बिलियनर हैं इनमें अपने अडानी भी शामिल हो गए हैं, जिनके हवाई जहाज में हमारे महामहिम घूमते हैं। तो इनके लिए अच्छे दिन है भाई। और चूंकि ये देश को कंट्रोल करते हैं, मीडिया को कंट्रोल करते हैं, टीवी को कंट्रोल करते हैं, तो आपको रोज अच्छे दिन आने वाले हैं। उनके लिए तो आ गए। तो दोस्तों यही है बजट का विश्लेषण। कठिन दिन है लेकिन उन कठिन दिनों में भी लोग लड़ रहे हैं। रोहित वेमुला के मुद्दे पर पूरे देश में जो धमाल मचा और भाजपा जो भागी, क्योंकि वो अंबेडकर को अपना बताने लगे थे, और अब ऐसा पोल खुला कि ये दलित विरोधी हैं, तो नया इन्होंने शगुफा छोड़ा और वो वीडियो डॉक्टर करके मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए कन्हैया को फंसाया। लेकिन उस पर भी दिल्ली में जो जोरदार विद्यार्थियों ने आंदोलन किया और जिस दिन वो छूटा, उस दिन दसियों हजार जेएनयू का आप में से जो लोग गए हैं, जहां पे वो चल रहा था, वो इतना बड़ा ग्राउंड है, पूरा भरा हुआ था, और इतनी पॉपुलैरिटी और इतनी पब्लिसिटी कन्हैया को मिल गई थी कि सारे टीवी चैनलों को, जिन्होंने उसको गाली भी दी, मजबूरी में सारे चैनल उसका भाषण लाइव कवर कर रहे थे। हाँ? 10 लाख भी हो गए एक दिन। क्या भाषण दिया उसने। ठीक है, वो अपना साजिशें रचेंगे, रोज नई नई साजिशें रचेंगे। आज ही आया एक और, हमारे मित्र अमित सेनगुप्ता को भी नौकरी से निकाला गया है दिल्ली से। तो एक तरफ वो अपनी साजिशें रचेंगे और दूसरी तरफ हम भी लड़ेंगे। धन्यवाद।